मुंबई आर्य कॉलोनी के रॉयल पाम में रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ ओला टैक्सी ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ के मामले में आर्य पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आर्य पुलिस ने नाबालिग छात्रा के बयान के बाद आरोपी ओला ड्राइवर मुरारी सिंह को गोरेगांव से गिरफ्तार किया है। परिवार का आरोप है कि मुंबई में ओला टैक्सी ड्राइवर ने उनकी बेटी के साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं की बल्कि अश्लील इशारे कर उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। आपको बता दें कि 25 मई की सुबह करीब 10 बजे जब 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा विलेपार्ले मुंबई एयरपोर्ट से रॉयल पाम अपने घर आने के लिए ऑनलाइन ओला टैक्सी कैब बुक की तो वहां मुरारी कुमार सिंह नामक ओला टैक्सी ड्राइवर छात्रा को छोड़ने के लिए पहुंचा। पीड़िता जब टैक्सी पकड़कर रॉयल पाम अपने सोसाइटी पहुंची तब उसके पास टैक्सी का किराया देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं थे। छात्रा ने ड्राइवर को बोला कि मैं छुट्टे पैसे लेकर आती हूँ। तब ड्राइवर मुरारी सिंह ने नाबालिग लड़की को अश्लील इशारे करते हुए बोला कि अगर पैसे नहीं है तो नीचे आ जाओ, मैं देता हूँ। पीड़िता ने पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई। इसके बाद नजदीकी आर्य पुलिस स्टेशन में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। मुरारी ने लड़की को बोला था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा तो मुझे अपना दोस्त बना लो, तब लड़की ने उसे इनकार कर दिया था। मामला दर्ज होने के बाद आर्य पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और ओला टैक्सी कैब बुकिंग के माध्यम से आरोपी मुरारी सिंह को भगत सिंह नगर नयानगर गोरेगांव पश्चिम से गिरफ्तार कर लिया है। मुरारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी मुरारी सिंह को 30 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। आर्य कॉलोनी में डेट 25 मई को सुबह 10 बजे एक छोटी लड़की मुंबई टर्मिनल्स विले पार्ले 2 से अपने घर मयूर नगर पिकार्डली 3 में यहाँ पे आ रही थी। जब वो आते समय उन्होंने ओला के एक गाड़ी बुक किया था, उसमें बुकिंग करके जब वो बैठी, उसे अकेला पाकर ओला के कार चालक ने उसको ऐसा कहा कि आपके तो कोई फ्रेंड नहीं होंगे, आप मेरे फ्रेंड बनोगे क्या। इस पर उसने कुछ भी मतलब रिएक्शन दिया नहीं। बाद में वो पूरे प्रवास के दरम्यान उसने उसको अच्छी नज़र से एक तक से देखा उसको, और जब वो पिकार्डली 3 में अपने घर आ गई तब उसने ऐसा कहा कि अगर आपके पास छुट्टे पैसे नहीं है तो नीचे चलो, मैं आपको छुट्टे पैसे देता हूँ, ऐसा बोलकर वो छोटी बच्ची को उसने आँख मार दिया। ये सब हकीकत उसने अपनी माँ को रात को शाम 7:30 से 8 बजे से आने के बाद अपनी माँ को बताया। जैसे ही माँ ने हमको आके पुलिस स्टेशन में 9:30 के आसपास पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने हमको रिपोर्ट किया, तभी सभी घटना हमारे आदरणीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री शेखर डोंबे साहब को हमने बताई। उनके मार्गदर्शन से हमने वो FIR उसका दाखिल कर दिया और सबसे तुरंत हमने उसको अरेस्ट कर दिया, और आज उसको अरेस्ट करके माननीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया है। तो माननीय कोर्ट ने उसको 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दिए। आरोपी मतलब ओरिजिनल फ्रॉम बिहार से बिलोंग करते हैं। वो गोरेगांव पश्चिम भगत सिंह नगर जो है वहाँ पे वो उनके चचेरे भाई के साथ रहते हैं, और उसके बारे में और कुछ अगर कुछ दूसरे पुलिस स्टेशन में अगर कुछ गुनाह वगैरह है तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। आरोपी का नाम क्या सर? उसका नाम है मुरारी कुमार सिंह, उसका उम्र है 29 ईयर्स।